तुम ही तो थे ख्यालों में, तुम ही थे बेख्याली भी नहीं है बिल्कुल। हाँ हाँ मेरी गुड़िया जो मैं नहीं ढूंढ। चलो बच्चों तंग ना करो, चलो घर जाओ, घर जाओ, सब घर जाओ। यहाँ क्यों खड़ी हो तुम? वो भैया आएंगे ना, भैया परांदा लाएंगे, भैया लिपस्टिक लाएंगे, काजल लाएंगे। भैया भैया बहुत शौक है तुम्हें सजने संवरने का मोनी, तुम मेरे घर आना, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। हाँ परांदा भी। मोहिनी ओ भाभी 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 क्या क्या कर रही हो? भाभी ये अच्छा है, कहते कहते परांदा लाएगा, काजल लिपस्टिक सब सब देगा, सब अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसे मिजाज हैं आपके? शुक्रिया आपका। चलो पर चलो मोहिनी चलो, कितनी बार तुम्हें मना किया घर से मत निकला करो। कुल्फी भाभी कुल्फी कुल्फी बुरा कुल्फी ना नहीं बुरी बात, मैं घर जाके आपको अच्छा सा पराठा बना के ले जाके कुल्फी नहीं कुल्फी नहीं मोहिनी दे दो कुल्फी दे दो एक कुल्फी मोहिनी। सहबा अब्बू जी ने इजाजत तो दे दी है, लेकिन अब्बू जी को डर है कि इस तरह दो लोगों के बीच में बिला वजह का फेवर आए ना तो उनके ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। तुम्हारे डैड बहुत क्यूट है, लेकिन तुम्हें पता है वो पुराने जमाने के पुराने ख्यालात के सीधे सादे मासूम से इंसान है, और हम नए जनरेशन के लोग हैं। अब हम पुराने जमाने के लोगों की अगर बातें सुनना शुरू कर दें ना तो फिर हम वापस अखारे कदीमा में चले जाएंगे। Am I right? पता नहीं सहबा, लेकिन पता अम्मी जी क्या कहती हैं? अम्मी जी कहती हैं कि नए रास्ते पे कदम रखने से पहले पुराने दिए अपने साथ लेके चलने चाहिए ताकि रास्ता आसान हो जाए। गोल्डन वर्ड्स किताबों में अच्छे लगते हैं लेकिन प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं होते। सहबा ये हम कहाँ जा रहे हैं? ये घर का रास्ता तो उधर से है। मुझे मॉल जाना है, थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, मेरा साथ दोगी प्लीज? सहबा नहीं सॉरी मैं नहीं जा सकती, मुझे तो टाइम से घर पहुंचना है, मैं टाइम से ना पहुंची तो मेरी तो अम्मी बहुत परेशान हो जाएंगी, और सबसे पहले तो अब्बू जी कॉल करेंगे कि मुझ पहुंची है कि नहीं पहुंची, तो अम्मी जी क्या जवाब देंगी? सहबा प्लीज पीछे से ले चलो। तो एक काम करो ना, सिंपल सा सलूशन है इसका, घर पे फोन करके कह दो कि आधे घंटे लेट आओगी, बस सिर्फ आधे घंटे। अरे परेशान हाल कह रही हूँ ना, मॉल पहुँचते के साथ तुम्हारी अम्मी को सबसे पहले फोन करेंगे, ठीक है? सहबा नहीं, तुम्हें मेरे घर वालों का नहीं पता, स्पेशली तुम्हें मेरे अब्बू जी का नहीं पता, ये गलत बात है, तुम्हें मुझे पहले ही बताना चाहिए था, तुम मुझे घर ड्रॉप करने के लिए आई थी यार। मुश्किल की क्या बात हो गई है, क्या तुम बच्चों वाली बात कर रही हो? तुम अच्छी खासी बड़ी लड़की हो ना, अपने माँ बाप के इशारों पर नाचती रहोगी हमेशा, अपना हाल देखो कितनी नर्वस सी मिजरेबल सी रहती हो। प्लीज अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना शुरू करो, बी इंडिपेंडेंट। एक्चुअली तुम मेरे साथ कदम में कदम मिलाकर चलो, देखना तुम कहां पहुंच जाओगे। लो जी हम मॉल आ गए। तुम एक काम करो, मेरे फोन से अपनी मम्मी को फोन कर लो। यहीं पे हूँ। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। मुश्क बेटा तुम कहाँ हो, इतनी देर हो गई, तुम आई क्यों नहीं अभी तक? जी अम्मी जी वो मैंने यही बताने के लिए फोन किया था कि मैं एक डेढ़ घंटा लेट हो जाऊंगी। मगर क्यों? वो अम्मी जी एक्स्ट्रा क्लासेस हैं जिसकी वजह से कॉलेज रुकना पड़ रहा है लेट। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन फिर तुम घर कैसे आओगी, वो सहबा छोड़ेगी तुम्हें?
जी जी सहबा मेरे साथ ही है, वो मुझे घर ड्रॉप कर देगी। चलो अच्छा हुआ तुमने फोन करके बता दिया, वरना फिर फिक्र होती रहती। हाँ बाप ने ज्यादा फिक्र नहीं करनी, ठीक है ना? चलें, अल्लाह हाफिज। That's my girl. ऐसे ही तो हैंडल करते हैं पेरेंट्स को। चलें? तुम्हारी वजह से। Let's go. ये लो ये लो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मुश्क आ गई यूनिवर्सिटी से? नहीं सखार साहब अभी तो नहीं आई, आज थोड़ा लेट हो जाएगी, उसका फोन आया था, कह रही थी कुछ एक्स्ट्रा क्लास है आज। नहीं तो वापस कैसे आएगी फिर वो? उसी दोस्त के साथ जिसके साथ आने की आपने इजाजत दी थी, उसी के मोबाइल से फोन किया था उसने। लंच के लिए पैसे वगैरह हैं वहाँ यूनिवर्सिटी में? भूखी तो नहीं रहेगी वो? आप फिक्र ना करें, उसके पास होते हैं पैसे। मैं वापसी पे उसके लिए मोबाइल फ़ोन ख़रीद के ले आऊँगा। मैं समझ सकता हूँ कि कितनी वक्त की ज़रूरत है भाई। जी बेहतर। और देखो मैं मार्केट से होता हुआ आऊँगा, इसलिए देर हो जाएगी, थोड़ी फिक्र मत करना, ठीक है? खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। ऊपर से कितने भी सख्त बने, बेटियों के मामले में अंदर से नरम हैं। क्या हुआ मिस मुश्क, इतनी खौफजदा क्यों है? मेरी फ्रेंड थी मेरे साथ, पता नहीं कहाँ चली गई है, कब से ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रही है। आप सहबा की बात कर रही हैं ना? जी। इधर ही होगी किसी शॉप में, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? है, क्यों नहीं है परेशान होने वाली बात, पता नहीं कहाँ चली गई है और कब से ढूंढ रही हूँ, और वो अगर मुझे छोड़ के चली गई तो फिर मैं वापस घर कैसे जाऊँगी? अगर वो आपको छोड़ के चली गई तो मैं आपसे वादा करता हूँ मैं खुद आपको घर ड्रॉप करके आऊँगा। सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं आपके साथ घर जाऊँ,
मैं किसी लड़के के साथ घर नहीं ड्रॉप हो सकती, और वैसे भी मैं टैक्सी पे चली जाऊंगी, मैं आपके साथ क्यों जाऊंगी? चले फिर ये भी डिफाइन कर दीजिए कि टैक्सी वाला बुरके में हो कि बगैर बुरके। मेरा मतलब है टैक्सी वाला भी तो मर्द ही होगा ना। मेरी शामत आई थी जो मैं सहबा के साथ चली आई, पता नहीं कहाँ चली गई है। और मेरी खुशकिस्मती, मेरा मतलब है किसी से दिल की बात कहनी हो और वो यूं इस तरह मिल जाए और बात करने का मौका भी हो, तो इंसान इसको खुशकिस्मती ही कहता है ना। मिस मुश्क, आप क्या कह रहे हैं? मेरा नाम इर्तिजा हसन। मैंने जब फर्स्ट टाइम आपको देखा था तो आपके इस मासूम चेहरे ने मेरा दिल जीत लिया। तब से लेकर आज तक सिर्फ आपके बारे में सोचता आ रहा हूँ। आपको देखना चाहता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ। इसी चक्कर में मैं आपके कॉलेज भी गया था, लेकिन आपने तो घास ही नहीं डाली। पता नहीं आप क्या कहे जा रहे हैं, मुझे मेरी सहेली को ढूंढने दें। मुश्क, आपको नहीं लगता है हमारा यूं इस तरह मिलना एक महज इत्तेफाक नहीं है? शायद तकदीर चाह रही थी। आप क्या चाहते हैं मुझसे? मैं चाहता हूं कि हम दोनों दोस्त बन जाएं, एक पाकीज़ा दोस्ती और बस। नहीं, मुझे मेरे घर से इन सब बातों की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। चले फिर एक काम करते हैं, हम दोनों एक दूसरे के फोन नंबर तो एक्सचेंज कर सकते हैं। मेरे पास फोन भी नहीं है। व्हाट, आप सच कह रही हैं? आई डोंट बिलीव दिस। जी मेरे पास फोन नहीं है। तो एक काम करें, ये मेरा कार्ड ले लीजिए प्लीज, आपकी कॉल का इंतजार करूंगा। आप इंतजार मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको कॉल नहीं करूंगी। आप अपना वक्त मत जाया कीजिए, कोई फायदा नहीं है इसका। प्लीज सहबा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। मैं भी तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, तुम कहाँ थी? मैं परेशान घूम रही हूँ इतनी देर से। अच्छा चलो, बहुत जल्द घर चलते हैं। और थैंक यू इर्तिजा, आपने मुश्क का इतना ख्याल रखा। थैंक यू मिस सहबा, आप कुछ देर के लिए गुम हो गई थी। अब चल भी पड़ो सहबा, कितनी गलत बात है। तुम मुझे शॉपिंग कराने के लिए कहाँ लेकर आई थी? अपनी शॉपिंग क्या मुझे भूल ही गई? गई सहबा, थैंक यू सो मच, तुमने मुश्क से मिला के मेरी मदद की। आई एम रियली ग्रेटफुल। यू आर मोस्ट वेलकम। वैसे ये बताओ, वीडियो डिलीट कर दी? चाहो तो खुद चेक कर लो। आई डोंट थिंक उसकी ज़रूरत पड़ेगी, वैसे भी तुम्हें मुझ से दोबारा मुलाकात करनी होगी, उसमें तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी। वैसे इर्तिज़ा एक बात बताओ, तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते हो? क्यों दोस्ती करना चाहते हो उससे? नोमी के बारे में क्या ख्याल है? What do you mean? Simple question है। तुमसे पूछ रहा हूँ कि नोमी में क्या नजर आता है? उसे दोस्ती क्यों की हुई है तुमने? मैं नोमी को बहुत ज़्यादा trust करती हूँ। सिर्फ दोस्ती नहीं की है मैंने उससे। देखो सहबा, तुम्हें समझाना ना तो मेरा फर्ज है और ना ही मेरा हक। लेकिन एक बात तुमसे जरूर कहूँगा, किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा मत करना जब तक उसे खुली आंखों से आजमा ना लो। इर्तिजा, you really need to stop it. मैं नोमी के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। सहबा, हमारे फैमिली टर्म्स हैं और मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। I'm just trying to warn you, आगे तुम्हारी मर्जी। मिस्टर इर्तिजा, मैंने आपसे कोई एडवाइस मांगी है जो आप मुझे ये एडवाइस दे रहे हैं? अपनी एडवाइस अपने पास रखिए, गेट इट? बाय बाय। मुश्क, जो कुछ भी था तुम मम्मी से झूठ नहीं कहना चाहिए था, तुम सच कह देती एक बार।
मैं डर गई थी, पता नहीं अम्मी कैसे रिएक्ट करती। असल में मैं चाह रही हूँ कि सहबा का इमेज अम्मी जी अबू जी के सामने खराब ना हो। तुम खुद सोचो अगर उन्हें पता लगता कि सहबा मुझे जबरदस्ती शॉपिंग के लिए लेके गई है, क्या एतबार रह जाता। देखो मुश्क, सब कुछ सही है, लेकिन हमारे माँ बाप को पता होना चाहिए हमारे बारे में, उन्हें हमारी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, हम कहाँ जाते हैं, कब जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, उन्हें एक एक चीज का इल्म होना चाहिए। बिल्कुल सही सही। फर्ज करो मुश्क, अगर अब्बू जी देख लेते तुम्हें वहां पर और खासकर उस लड़के से बात करते हुए, फिर तुम्हारा क्या इमेज बनता उनके सामने। सही कह रही हो, गलती हो गई। और मुश्क, ये सहबा को ना गलत सपोर्ट करना छोड़ दो, तुम हमेशा यही चाहती हो कि उसको किसी तरह बचा कर ले जाऊं, वो तुम्हारे गले की हड्डी बन सकती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है अमरी, उसका स्टाइल है, पता उनके माहौल में ये सब कुछ आम होता है, ये सारी पाबंदियां हमारे घर में लगी हैं। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं, वो बहुत अच्छी लड़की है और वो बहुत अच्छी दोस्त है। मुश्क, तुम ना उससे बहुत ज्यादा मुतासर हो रही हो, ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। मेरी बात सुनो तुम, मुतासर हमेशा अच्छी चीजों से हुआ जाता है। जरूरी नहीं है, कभी कभार हमें गलत फहमियां भी हो जाती हैं। मुझे तुम ये बताओ, आजादी से अपनी मर्जी से खुश होके जीना, इसमें क्या गलत है। वालदैन की दी हुई आजादी का गलत फायदा उठाना, ये गलत बात है। हमें तो कोई आजादी नहीं दी हुई, पता नहीं किस आजादी की बात कर रही हो तुम। मुश्क प्लीज, तुम इसमें फर्क समझने की कोशिश तो करो। तुम मुझे ज्यादा अम्मी की तरह लेक्चर्स मत दो, तुम्हें समझाना ही बेकार है। तू बातें क्या शेयर कर ली, पर सिर्फ मुझे ही बोले जा रही। मेरा नाम इर्तजा हसन है। मैंने जब फर्स्ट टाइम आपको देखा था तो आपके इस मासूम चेहरे ने मेरा दिल जीत लिया। तब से लेकर आज तक सिर्फ आपके बारे में सोचता आ रहा हूं, आपको देखना चाहता हूं, आपसे मिलना चाहता हूं, आपसे बात करना चाहता हूं। इसी चक्कर में मैं आपके कॉलेज भी गया था, लेकिन आपने तो घास ही नहीं डाली। उसने ऐसा कहा मेरे बारे में? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुमसे मेरे मुतालिक इस तरह से बात करने की? उसे मैं छोड़ूंगा नहीं सहबा। नोमी देखो, यू एंड आई वी लव ईच अदर, हम एक दूसरे पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है कि वो तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं। यू नो व्हाट, जैसे तुम मुझे समझती हो ना, ऐसे मुझे कोई नहीं समझता। And that is the reason I've brought you something. Wanna see? For sure, दिखाओ। A diamond ring for you. Nomi? Wow! That's beautiful. Are these real diamonds? Really, Seba? मैं तुम्हारे लिए diamond लेकर आऊँगा, तो नकली होगा? How can you think like that? ये हमारी मोहब्बत की पहली निशानी है, बल्कि तुम इसे हमारी एंगेजमेंट रिंग भी समझ सकती हो। I love diamonds. ये लो पहनाओ। Sure. कौन से हाथ में? You know what? हमारी शादी हो जाएगी ना, तो मैं इन डायमंड्स में तोल दूंगा। बड़े डायलॉग मारने आ गए आपको? आपके साथ रहकर आ गई। I just love it. Thank you. You're welcome. कैसी लगी? Absolutely gorgeous. थैंक यू नोमी। बहैसियत माँ की तुम्हारी कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है,
कम से कम ये तो पूछ सकती हो कि वो कहाँ आती जाती है, किससे मिलती है। क्या हो गया डैड, आप मॉम से इस तरह आर्ग्यू क्यों कर रहे हैं? मैं कोई छोटी बच्ची तो नहीं हूँ कि घर से बाहर निकलूंगी और रास्ता भूल जाऊंगी। तुम एक लड़की हो साहबा, और जब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं तो उनके आने जाने की फिक्र करनी चाहिए, यही समझा रहा था तुम्हारी माँ को। पर डैड आई एम ऑल ग्रोन अप, मुझे अपना अच्छा और बुरा पता है। हर इमेच्योर लड़की यही समझती है, ना अच्छा ना बुरा। डैड आपको क्या हो गया, आप क्यों इस तरह से एक्ट कर रहे हैं? मुझे इस लाइफस्टाइल की अब आदत है, अब प्लीज आप मुझसे मेरी फ्रीडम ना छीने। भुगतोगी तुम एक दिन, यू विल सी। तुम दोनों के अलावा मेरे कमरे में कोई नहीं आता, किसने चुराई ये रिंग? बेगम साहिबा आप कसम ले लें, मैंने तो कभी गौर से देखा तक नहीं कि आपके कमरे में क्या रखा है क्या नहीं, मैं तो सफाई करके आ जाती हूँ। और इस बार तुमने हाथ की सफाई दिखा दी। नहीं नहीं बेगम साहिबा, मुझे मेरे बच्चे और मेरे मरहूम शोहर की कसम, मैंने आपके कभी किसी चीज़ का हाथ नहीं लगाया। आप चाहे तो मुझसे कुरान उठवा लें। बस रहने दो, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। कोई भी मेरे कमरे में से कीमती चीज उठा ले, उसके दीन ईमान की क्या गारंटी। दिल तो चाह रहा है कि पुलिस को बुलवाऊं और तुम लोगों को जूते लगवाऊं, तभी तुम लोग उगलोगे। बेगम साहिबा आपको अल्लाह का वास्ता है, आप ऐसा जुल्म नहीं कीजिएगा हम पे। क्या बात है मामा, क्यों इन बेचारियों की क्लास हो रही है? ये जो बेचारियां हैं ना, इन्होंने मेरी डायमंड की रिंग चुराई है जो तुम्हारे बाबा ने मुझे वेडिंग एनिवर्सरी पे दी थी, और वो ड्रॉर्स में रखी हुई थी और वहीं से गायब हो गई, अभी मैंने पहनी भी नहीं थी। क्यों भाई, ये मामा क्या कह रहे हैं, किसने उठाई है इनकी रिंग? साफ साफ बता। अच्छा जाओ तुम लोग फारिग करें इन्हें। कैसे फारिग कर दूं, ये तो फिर पुरानी मुलाजमा है, अगर कोई नई रखूंगी ना वो तो इनसे भी बढ़कर साबित होगी। तो फिर एक काम करें, अपनी उस रिंग की फातिहा पढ़ें और डैड से कहें कि आपको दूसरी रिंग ला के दें। देखो नोमी, तुम अपने डैड से कोई जिक्र मत करना कि इनमें से किसी एक ने मेरी रिंग चुरा ली है, वो इनको तो खड़े खड़े निकाल देंगे लेकिन मुझे भी सौ सौ बातें सुनाएंगे। आजकल उन्हें वैसे भी मेरी एक्टिविटीज से खुदा वास्ते का पैर है। तो फिर क्या करें मामा, पुलिस में रिपोर्ट करें? क्या हो गया नोमी, एक छोटी सी चीज के लिए मैं घर में पुलिस को बुलवाऊंगी? वो तो मैं इनको वैसे ही डराने धमकाने के लिए बोल रही थी ताकि ये लोग कुछ उगले। तो इतना बड़ा इशू क्यों बना रही है मामा, आपके पास ज्वेलरी की कमी है क्या? इतना गोल्ड, इतने डायमंड्स, व्हाट्स द बिग डील? जब तुम खुद कमाओगे ना तब तुम्हें एहसास होगा कितनी आसानी से तुमने ये बात कह दी है। Let me remind you of one thing. ये रिंग मैंने नहीं घुमाई, आपने घुमाई है। So better be careful next time. अंबर, तुम्हारे अबू जी अभी तक नहीं आए, इतनी देर तो वो कभी नहीं करते, रातें खाने का वक्त हो रहा है, खुदा खैर करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम अबू जी। वालेकुम सलाम। मुश्का है? वो अपने कमरे में है, पढ़ रही है। खैरियत? बुलाएं उसे फिर बता दो। जा बुलाओ। पानी ला दूं आपको? नहीं। मुश्क, आपको नहीं लगता कि हमारे यूं इस तरह मिलना एक महज इत्तेफाक नहीं है, शायद तकदीर चाह रही थी?
मुश्क, अब मुझे बुला रहे और वो बहुत गुस्से में है। क्यों, क्या हुआ है? मुझे नहीं पता, तुम नीचे चल के ना खुद पूछ लेना उनसे, लेकिन अभी चलो, मुझे तो डर लग रहा है कि उनको कहीं कुछ पता ना चल गया हो। भाईला, क्या क्या कह रहे थे? मुझे नहीं पता ना, चलो। वालेकुम सलाम। आपने बुलाया था? ये लो। अबू जी क्या है? खुद ही खोल के देख लो। जी। ये तो फोन है मेरे लिए। थैंक यू सो मच। मुझे दिखाओ ना कौन सा मॉडल है। आपने तो मुझे डराई दिया। पूरे दो घंटे मोबाइल मार्केट में मैं घूमता रहा, एक एक दुकान पर। कोई दुकान वाला कह रहा है ये ले लें, कोई कह रहा है ये ले लें, यही समझ आया मुझे तो, पता नहीं कैसा लगा। बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, अब इसको संभाल के रखो और जाओ जाकर खाना लगाओ, देर हो रही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सॉरी डैड, मैं लेट हो गई थी। तुम गई कहाँ थी? जी, अपने फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स? जी, फ्रेंड्स एज इन फ्रेंड्स। ओह बाय द वे मॉम, आपने डैड को इर्तिजा के बारे में बताया? नहीं, मैं भूल गई, तुम बताओ ना डार्लिंग। ठहरो ठहरो, ये अंगूठी कहाँ से आई? ये मैंने खरीदी है, दिखाओ मुझे। इट्स ब्यूटीफुल, बहुत महंगी लग रही है। ऑफ कोर्स, आपने अपनी बेटी को क्या गरीब समझा हुआ है? मैं अपने अमीर बाप की अमीर बेटी हूँ, राइट डैड? ज्वेलर से ली है, ऑफ कोर्स मॉम, कैसे सवाल करें। हाँ यार, अब बड़ा मजा आएगा, खूब गॉसिप करेंगे। मुझे तो अभी बहुत मजा आ रहा है। मुश्किल, देखो कितनी प्यारी रिंग है, बहुत अच्छी। और पता क्या सहबा, तुम्हारे हाथ पे और भी प्यारी लग रही है। नौमी ने दिया मुझे। हम दोनों ने ना जहनी तौर पर एक दूसरे को अपना फियांसे मान लिया। जहनी तौर पे क्या मतलब? मुश्क, तुम इतनी भोली बनती हो या वाकई में इतनी भोली हो? तुम्हें तो कोई बात समझ ही नहीं आती। देखो, मैं और नौमी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, हम दोनों अपनी पूरी लाइफ एक दूसरे के साथ स्पेंड करना चाहते हैं, हम दोनों की सोल्स भी ना एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकती। एंड टू मेक थिंग्स ऑफिशियल, नौमी ने मुझे ये रिंग दिया। इसके बाद हमारी रिलेशनशिप और भी ज्यादा मजबूत हो गई और अब दुनिया की कोई भी ताकत हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। हाय, सॉरी यार, मुझे अफसोस है कि मैं आप लोगों की बातें छुपकर सुन रहा था। हाँ, इट्स ओके, लेकिन अब मुझे कोई अफसोस नहीं है क्योंकि वो बातें बहुत मजेदार थी। हेलो 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 हेलो, कहाँ? वो मेरी क्लास का टाइम हो गया नौमी भाई। अरे क्या कहा तुमने मुझे? Did you just call me भाई? Call me नौमी भाई, call me नौमी भाई। No way. What's wrong with you? नौमी भाई? हाँ, लेकिन आप लोग हंस क्यों रहे हैं? देखो मुश्क, we are friends, right? ये भाई भाई कुछ नहीं होता, just call him नौमी। हाँ लेकिन सहबा, तुम हो ना मेरी दोस्त, तो इनसे तो दोस्ती नहीं है मेरी। मुश्क, देखो एक बात समझने की कोशिश करो,
फ्रेंड्स के फ्रेंड्स भी फ्रेंड्स होते हैं। अगर तुम इसी तरह घबराती रहोगी, कतराती रहोगी तो ये दो साल कैसे गुजरेंगे यार? सहबा तुम्हें पता है कि मैं हाँ कि तुम्हारे घर से तुम्हें परमिशन नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें अलाउ नहीं करते हैं, उनकी वैल्यूज इस तरह की हैं नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला। मुश्क यार तुम्हें रियलाइज होना चाहिए कि तुम इतने टाइम से यहाँ आ रही हो, तुम और तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं ना वो बहुत पुराने जमाने के ख्याल रखते हैं, आजकल ऐसे नहीं होता, थोड़ी अप टू डेट हो जाओ। मुश्क माय गॉड यार ये लड़की भी ना बस यहाँ रोक दूँ। कितने पैसे बने? ये लें पकड़ लें। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। वालेकुम अस्सलाम। ये रक्षे में तुम आई हो? जी वो असल में आज सहबा कॉलेज नहीं आई थी तो मैंने सोचा मैं रक्षे में वापस आ जाऊँ। अच्छा ठीक है, मुँह हाथ धोकर खाना लगा लो। ये आप अकाउंट्स में दे दीजिएगा। थैंक यू इस्माइल, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर, तुमने अपनी बेगम के इलाज के लिए जो लोन अप्लाई किया था वो अप्रूव हो गया, 2-3 दिन में अकाउंट में पैसे भी आ जाएंगे। अब तुम अपनी बेगम का इलाज बहुत अच्छी तरह से करा सकोगे। इफ्तिखार भाई बहुत बहुत शुक्रिया, मैं दिलो जान से इस खबर का मुंतजर था। सब कुछ अल्लाह ताला करने वाला है। इफ्तिखार भाई मैं घर जा सकता हूँ? दरअसल मैं ये खबर गीति को सुनाना चाहता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं देख लूँगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुश्क मुश्क सहबा सहबा तू मुश्क यार तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें पूरे कॉलेज में ढूंढ रही, बता के तो जाती। इस तो यूं मेरा भांडा फोड़ोगी? मैंने अम्मी को कहा है कि तुम आज कॉलेज नहीं आई थी इसलिए मैं रक्षे पे आई हूँ। अच्छा अच्छा मैं तुम्हारा भांडा नहीं फोड़ी, लेकिन ये बताओ तो सही एकदम से कहाँ चली गई थी? वो मैं बताती हूँ, चलो ऊपर आ जाओ ना, ऊपर कमरे में चल के बात करते हैं। आ जाओ। अच्छा वैसे चाय की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, अम्बर तुम हमारे लिए चाय बना कर लाओगी? वैसे भी ना कोई बाहर मेरा वेट कर रहा है, तो जल्दी। ठीक है ठीक है ठीक है, आप बैठो। बैठो बैठ जाओ बैठ जाओ। कहो क्या बात है? मुश्क तुम नाराज हो ना? मुश्क यार आई एम रियली सॉरी, तुम्हें पता है तुम्हारे जाते के साथ ही मुझे और नोमी को फौरन रियलाइज हो गया कि शायद हमने तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट कर दी हैं। तुम्हें पता है नोमी भी बाहर आया हुआ, अंदर नहीं आया क्योंकि तुम्हारे घर का माहौल वगैरह वगैरह, लेकिन उसने मुझसे खुद कहा है कि मैं तुम्हें आकर सॉरी कहूँ। सहबा तुम नोमी को क्यों ले आई यहाँ पे? तुम्हें पता है मेरे घर के माहौल का? अब्बू जी के आने का टाइम हो रहा है। घर के बाहर है, घर के अंदर नहीं आए। उफ़ल्ला जो भी है तुम क्यों लेकर आ गई उसे? मलामी जी अब्बू जी आ गए तो क्या? तुम लोग निकलो निकलो निकलो, अब्बू जी के आने का टाइम हो रहा है, निकलो भाई। इफ्तिखार अहमद साहब राइट,
मुश्किल डाली? जी हाँ, मगर आप कैसे जानते हैं मुश्को? सर मेरा नाम नौमान है, लोग प्यार से मुझे नोमी कहते हैं, और मुझ फ्रेंड्स हैं और फ्रेंड्स यू नो। बहुत खुश है।